सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम तीसरा पाठ नाम उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक श्यामचरण दुबे के विषय में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय करेंगे। वैज्ञानिक भी थे ये। इनका जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन कार्य किया, मतलब कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया। इनका अनेक संस्थानों से संबंध रहा है। 1996 ईस्वी में इनका निधन हो गया। रचनाएं डॉक्टर श्याम चरण दुबे ने भारत के जनजातियों तथा ग्रामीण समाज का गहन जो अध्ययन किया। इनसे संबंधित इनकी रचनाओं ने समाज का ध्यान इनकी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। इनकी रचनाएं मानव संस्कृति, परंपरा, इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज की ओर, भविष्य भारतीय, ग्राम विकास का समाज शास्त्र, संक्रमण की पीड़ा और समय का संस्कृति है। रचनाओं के नाम है ये। अब भाषा शैली है इनकी। अपने विषय और भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है था। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ जो है, इसमें लेखक ने विज्ञापन की चमक दमक के पीछे भागते हुए लोगों को सावधान किया है कि इस प्रकार से अंधाधुंध विज्ञापनों से प्रभावित होकर कुछ खरीदना समाज में दिखाने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना है। स्वतंत्र सामाजिक अशांति और विषमता इससे फैल जाती है। लेखक ने मुख्य रूप से तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे उपभोक्ता संस्कृति, समर्पित, चमत्कृत, प्रसाधन आदि। विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे माहौल, दूध, पेस्ट, टूथपेस्ट, ब्रांड, माउथ वॉश, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। प्रभावशाली में इन्होंने अपनी बात कही है। कहीं कहीं तो चुटीले कटाक्ष भी किए हैं। ये संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। इस प्रकार से लेखक ने भाषा को सहज और सरल बनाया है। पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति में लेखक ने विज्ञापनों की चमक दमक से के विषय में बताया है कि हम जो विज्ञापनों के द्वारा वस्तुओं को खरीद लेते हैं, लेकिन उनके गुणों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाजार में विलासिता की सामग्रियों को खूब बिक्री होती है, क्योंकि विज्ञापनों के द्वारा इन वस्तुओं का प्रचार प्रसार होता है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये परिचय आज अच्छे से याद करना है और पाठ को भी पढ़ना है। धन्यवाद।